ये भाई कर क्या रहे हो भाई तुम लोग? The flavor of life. वो कोई जान सी नहीं है, मेरी बात तो आरटीओ वाला पकड़े वो सब देखेंगे बस भगवान करे कि बस। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबको मेरा आज का दूसरा ब्लॉग पर। सीन कुछ ऐसा है कि आज जा रहे हैं अलगुबेबा, वहाँ पे कुछ नाइट मार्केट जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं तीन बंदे, तो इधर हम लोग के ये मिला था हमें, हम लोग का सबसे छोटा ये है अमन, और इधर हम लोग का एंसम हंक बोलते हैं एंसम हंक। बाय द वे यार मैं एंसम नहीं हूं, अरे भाई को थैंक यू जो मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया। देखो लेकिन देखो नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा है, वो भी भाईजान को लेकर घूमने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाईजान जो है 14 साल से यूएई में रह रहे हैं लेकिन उनको दुबई नहीं घुमाए। अब उधर से थोड़ी सी ट्रीट रहेगी, और ट्रीट तो रहेगा। और हम लोग क्या लाने के लिए जा रहे हैं स्पेशली मटन, वो भी नेपाली कटिंग का, और लाइक इंडियन स्टाइल में जो करते हैं ना, प्योर आसाम का भी करें। बेसिकली हम लोग जो है आसाम से हैं, भाईजान भी आसाम में रहे, पूरा बचपन उधर आसाम में गुजार दिया, तो आज हम लोग दिखाएंगे और किस तरह से हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ वहाँ पर जाएंगे और क्या क्या करेंगे, आप लोगों को सारा कुछ दिखाया जाएगा। अभी अपडेट मिलते रहेगा, तो इस तरह से ब्लॉग जो है कंटिन्यू होते रहेगा। एक्चुअली जो मैं है यूएई का लाइसेंस ले रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट आरटीए पार्किंग में दो बार तो फेल हो चुका हूँ, अगली बार मैं डेफिनेटली पास करना है, तो पास हो करना है। तो अब जब पार्किंग लाइसेंस आ जाएगा तो ब्लॉग कंटिन्यूसली डेफिनेटली आएगा। तो फिलहाल जो है गाड़ी आप कौन सा है, ए सी है X25। चलो 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 चलो, तुम करो भाई फर्स्ट लो, दूसरा करो मेरा, ये 19 है मेरा भी। भाई तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं, कैसे जा रहे हो भाई? हमारे लिए पैसे नहीं चाहिए भाई, ऐसा फाइन पड़ेगा। अभी अभी 500 ग्राम का फटका लगने वाला है छोटे को, तो कोई डील हो गया अपन के, डील हो गया तो 60-40 करके हम लोग मेरे कार्ड में तो है, मैंने ये नहीं बोला कि मेरा दूसरा कार्ड में भी पैसा है। इतना गरीबी था तो क्यों दिया, इतना गरीब थे तो क्यों दिया? बोलो देखते नहीं, वो कोई जान सी नहीं है, मेरी बात तो आरटीओ वाला पकड़े वो सब देखते हैं, देखते बस भगवान जो आते हैं बस। दो काटे पांच पांच करके बस तो होगा, मैंने दो बार दो ही काटते हैं उसको, तो वो यही बोलो ना बेलू लो चलो एक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आगे, ठीक है रिचार्ज करते हैं। ये है बुर्जुमान का नतीजा। तो आप शाम को इधर आए थे कहीं? फर्स्ट टाइम नहीं, नहीं शाम को, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ शाम को, दिन में दो तीन बार मेरा ट्रांजिट हो चुका है। तो ऐसा है, ये भाई कर क्या रहे हो भाई तुम लोग? द फ्लेवर ऑफ लाइफ, अब पहले सूटा मारेंगे इसके बाद फिर हमारा आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। दैट्स कॉल, ये बुर्जुमान है मेट्रो स्टेशन, तो ये बहुत बड़ा स्टेशन है। तो जब मैं पहले पहले आता था तो यहाँ से बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि कहाँ से जाए क्या करें, तो इधर सिंपल रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज करते हैं। तो रात का समय ये है बुर्जुमान पे, अभी यहाँ से 9 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, तो 9 बजने के लिए 5 मिनट, तो अभी पार्क में आए हैं। तो पार्क में अभी देखो सारा सुनसान पार्क है, तो थोड़ा चाय पीते हैं, सबसे पहले तो चाय लेते हैं, तीन चाय लेते हैं, देख सकते हो। तो माहौल ही कुछ ऐसा है, देखिए सामने, तो उधर आपको जैसे उस पार जाने के लिए बोट में आपको चलना है क्या? बोट में अशोक जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं चलते हैं बोट में, नहीं तो अपन का टाइम बहुत लिमिट है। ओके चाय पीजिए, ओके क्या कर रहे हैं वो मटर ले जाते हैं, फिर मोमो खाएंगे और भाई बहन चलते हैं। ओके तो ये है शाम का क्लिप, देख सकते हो इधर। यहाँ का जो है ये जो स्टेशन है अलगुबेबा के सामने है, तो आपको यहाँ से कहीं पर भी जाना हो, जैसे कि शारजा, अबू धाबी, तो आपको यहाँ से बस मिलता है, ठीक है? तो यहाँ से आप जा सकते हो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मटन लेने के लिए, तो मटन लेने के लिए कहाँ पे मिलेगा? तो देखिए गाइस, जो भी दुबई में रहते हो, यदि आपको प्योर इंडियन स्टाइल का मटन खाना चाहते हो, तो आप ऐसा कीजिए, ये जो अलगुबेबा मेट्रो स्टेशन है, तो सामने
यहाँ से आपको बैक जाना पड़ेगा, बैक साइड में उधर सामने जाना पड़ेगा, उसके पीछे पिछले हिस्से में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा आगे। और गर्मियों का तापमान बहुत कुछ ज़्यादा ही है। ये जो है बस स्टेशन के पिछले हिस्से में जो यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है, यहाँ से बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ से आपको जो है प्योर इंडियन स्टाइल में काटा हुआ सामान आपको मिल जाएगा। और हिमालय विलेज, तो यहीं से हम लोग प्योर लेके जाते हैं। भाई तुम दुकान शिफ्ट कर रहे हो, तुम बोले क्यों नहीं, तुम उधर से जाके इधर आके पता चला। हाँ अभी जाके आए ना, अभी एक हफ्ता पहले आए, एक हफ्ता पहले नहीं आए ना, अभी आए। ये ऐसा आज देखो मटन दो भाई। तो फिलहाल हम लोग मटन लेके जो है निकल चुके हैं। तो अशोक भाईजान बताइए मटन कैसा मिला? मतलब A1 मिला, और जो हमने भूटन दिया ना वो तो शायद पता है एशिया में भी इतना अच्छा भूटन नहीं मिला होगा। और आपको सर्विस भी बेस्ट देंगे, ठीक है। मटन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग जाएंगे मोमो। तो देखो अब यहाँ पे आए गए अलगुबेबा, आए बर्दुबई, आए यहाँ पे आकर मोमो नहीं खाया, कुछ खाया नहीं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कंचनजंगा रेस्टोरेंट, तो इधर बर्दुबई का बहुत फेमस रेस्टोरेंट। तो चल अभी फिलहाल जो है हम लोग कंचनजंगा रेस्टोरेंट में, तो फिलहाल हो रहा है मोमो का ऑर्डर। तो हम लोग ने अभी एक्चुअली बफ मोमो ऑर्डर किया है। फिलहाल इंतजार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, तो आ गए मोमो। तो अशोक भाईजान कैसे हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टेस्ट पूरा एकदम ऑर्गेनिक टेस्ट बोलते हैं ना, घर की किचन से बनाई टाइप चीज़ का सूप। आई लव दिस सूप, सूप इज द बेस्ट। आई लव दिस चटनी, चटनी लवर मिस्टर अशोक। तो ये है ये सोना ले रहे हैं। तो यो दिन होस्त सेम एउटा ए सानो भयो के के त्यो सानो भयो सेम सेम जवाफ आछै तर अवश्य सर काम आउँछ यो दिन तमिन्छ तपाईं लागि त अब धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो। दुबई में अब इफ यू परचेस इन गोल्ड, आपको ये रिसीट लेना भूलना मत, ठीक है। रिसीट मस्ट बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब भी घर जाओगे ना, करेक्ट रिसीट नहीं हुआ तो आप जब भी ये सोने जो है ना ये वहीं पे इलीगल हो जाएगा एकदम। और विद टैक्स के साथ हम लोग ने विद 5% वैट के साथ ये पूरे के पूरे बिल लेके आपको ले जाना पड़ेगा। तो इंडियन करेंसी में कितना बनता है? 77,000 बहुत होता है भाई। ये 1800 दिरहम का है। शॉपिंग वगैरह सारा खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग को अभी प्याज लेना है भाई साहब। प्याज उठाना है, लहसुन, अदरक भी लेना है, अदरक, लहसुन और तेज पत्ता और कुछ मटर। तो थोड़ा मसाला वगैरह लेना भी है। तो चलते हैं रूम में, और आज तो शायद देरी पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी इधर अभी अलगुबेबा में है, 11 बज गया, अभी जाके बुर्जुमन से वहाँ पे जाना, बुर्जुमन जाना पड़ेगा, उसके बाद X25 पकड़ के जाना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग जो है सिलिकॉन आ पहुँचे हैं, अभी चलेंगे रूम।